हेलो फ्रेंड, एग्जाम लोग क्लास के करेक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस सीरीज में 25 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट में उत्तर देने का कोशिश करिएगा। तो पहला प्रश्न, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होगा H2SO3 बी। फ्रेंड, यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल पूछा गया, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। तो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट, किससे बने कपड़े में आसानी से सिलबटें नहीं पड़ती है? तो पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं जो आसानी से, जिसमें सिलबट नहीं पड़ती है, अर्थात चिंगुरती नहीं है। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बी। नेक्स्ट, धातु के गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है, यानी बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो नायलॉन का, जो नायलॉन का तार होता है, कि इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, अर्थात मजबूत होता है। नेक्स्ट, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांग है, मकड़ी में 8 टांग पाई जाती है, इसलिए कीट से भिन्न होती है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का वर्णलेखन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे? तो न्यूटन थे। न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म का प्रयोग किया था, ए बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, माचिस की लगाने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लगाते हैं, तो लाल फास्फोरस लगाते हैं। जो माचिस की जो सतह होती है जिस पर तिल्ली लगा कर जलाते हैं, उस पर कांच और लाल फास्फोरस का चूर्ण लगाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट,
प्राथमिक संवहनी पौधे होते हैं जिन्हें सामान्यतः फन के नाम से जाना जाता है। तो टेरिडोफाइट यानी ए ऑप्शन होगा, टेरिडोफाइट है जो प्रिमिटिव वास्कुलर प्रांत होते हैं जिसे फन कहा जाता है। नेक्स्ट, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। मूत्रालय के पास अमोनिया गैस होती है जिससे नाक में चुभने वाली गंध आती है। नेक्स्ट, अमोनिया यूरिन यानी मूत्र में 2% यूरिया होता है, 95% दर होता है। अमोनिया 0.05% होता है। नेक्स्ट, एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल है एक बार के, एक बार बराबर होता है 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। नेक्स्ट, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल यानी फ्लो ऑफ वाटर को क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक स्टैंड फॉर क्यूबिक फीट पर सेकंड। नेक्स्ट, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्जीन, ऑक्जीन का रासायनिक नाम इंडोल एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव की सांद्रता घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक बरनी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई पड़ेगा काले रंग का, सी। नेक्स्ट, ये वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मछली है? तो फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश मछली है, जबकि क्राइफिश, कैटल फिश, सिल्वर फिश मछली नहीं है। जो क्राइफिश है एथ्रोपोडा है, कैटल फिश मोलस्का और सिल्वर फिश एथ्रोपोडा है, तो फ्लाइंग फिश जबकि मछली होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रेब फिश क्या है तो एथ्रोपोडा, कैटल फिश क्या है मोलस्का, सिल्वर फिश क्या है तो आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो जॉन्डिस, जॉन्डिस अर्थात पीलिया हो जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, ये बीमारी सबसे कम संक्रामक होता है। नेक्स्ट,
NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसमें 15 परमाणु होते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 गो है क्योंकि N का होल है, हाइड्रोजन 4 × 8 गो है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 अणु है, यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4 मॉलिक्यूल में 15 एटम होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो आवर्त 6 यानी 6 पीरियड। ए आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 पीरियड होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, 1 से 7 तक दिया होता है, 18 ग्रुप होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 तत्व होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 तत्व होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 तत्व और फिफ्थ पीरियड में 18 तत्व होते हैं, जबकि सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड में 32 तत्व होते हैं। तो आपके अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व होते हैं तो 2, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 और 6 और 7 पीरियड में 32 तत्व होते हैं। इसमें 6 पीरियड में यहाँ लेंथेनाइज ग्रुप होता है और 7 पीरियड में एक्टिनाइज ग्रुप होता है। नेक्स्ट, कार्सिनोजेन रसायनों से क्या होता है? तो कैंसर होता है, कार्सिनोजेन रसायन से कैंसर होता है। तो ये कार्सिनोजेन रसायन का एग्जाम्पल है, जैसे एक एस्बेस्टस है, निकेल है, कैडमियम है, रेडान है, विनाइल क्लोराइड, बेंजाइडीन है, बेंजीन है, ये सब कार्सिनोजेन एजेंट होते हैं, इससे शरीर में कैंसर होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फंगीसाइड में, एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग फंगीसाइड में किया जाता है। नेक्स्ट, क्या बनने के कारण चांदी वायुमंडल में रखने पर काली हो जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड, चांदी को जब वायुमंडल में रखते हैं तो वो काली हो जाती है क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो ये सब फ्रेंड आज का वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही ये भी आप बताइएगा कि ये 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको सही हुए। धन्यवाद।